खबर लहरिया, आपकी खबर आपकी भाषा। जिला चित्रकूट में कलेक्टर में कुछ मजदूरन की मजदूरी नहीं मिली हुई तो यहाँ पे ज्ञापन देने आए थे। ये लोग लगभग वही 1.5 महीना हो गए अपने जिला से आए थे और सिवनी में रहने वाले थे। इन लोग की मजदूरी जो निर्जन विभाग से काफी लोग को लाए थे, लगभग मजदूर 80 लोग हैं, 80 लोग को एक भी मजदूरी नहीं दी गई। इन लोग की कैसे इनका गुजारा होगा, कैसे पेट रोटी चलेगा। यहाँ पे जब मैं SDM से बैठ लिए तो उनका कहना है कि हाँ उनका ज्ञापन मिली है, उनकी मजदूरी नहीं दी गई। तो अभी हम बात किए हैं जो उनकी मजदूरी नहीं दी जाएगी तो उनके ऊपर मुकदमा दर्ज होगा। तो लगभग कितने लोग काम किए हैं? 25 लोग काम किए हम लोग। पूरा प्लांटेशन बनाया, गड्ढे पौधरोपण किया, उस गड्ढे खने, बीज बोवाई, निराई गोड़ाई सारा काम हमने किया। उसकी देखभाल करते रहे जो कि हमको आज तक एक बार हल्की थोड़ी थोड़ी वो जो एक त्यौहार आती है सावन में झूला गुड़िया बोलते हैं हम लोग हिंदू धर्म में, उसी में सबको किसी को 200 किसी को 400 किसी को 500 इस तरह दे करके हमको अभी तक टहले रहा। जब हमने अपनी मजदूरी मांगने हमारे घर में खाने को नहीं है तब हमको गाली गलौज दे करके भगा। दिक्कत हो रही है, अब दिक्कत भूखे प्यासे बाल बच्चे लेके पड़े, किराया भाड़ा तक नहीं था हम लोग यहाँ आने के लिए। हाथ भाव विनती जोर के यहाँ तक कैसे में से हम पहुँचे न्याय मांगने के लिए यहाँ तक आ गए। पैसा नहीं दे रहे हैं, काम भर कर रहे हैं, पैसा नहीं लेने जाते हैं तो दाग देते हैं, कहते जाओ भाग जाओ हम नहीं देंगे यहाँ काम करें, अब ज्यादा बोलोगे तो मारेंगे इस कह रहे हैं। तो आप लोग अब कहाँ रहेंगे जिसे पैसा नहीं है? अब कहाँ रहेंगे, अब यहीं आए हैं, हम कहाँ रहेंगे, यहीं बाल बच्चे को मोड़ी मोड़ो के यहीं लान के यहीं पटकेंगे, यहीं रहेंगे। बाल बच्चे मर रहे हैं भूखे प्यासे, कुछ नहीं है खाने को, मेरा पैर भी दर्द हो रहा है, हमको दवा भी दिए मांगे कि दे दो दवा के, पैसा तो डाक दिए कि नहीं हमारे पास जाओ भग जाओ, हमारे भाग गया है। तो क्या काम कर रही थी? जंगल भी बाट की गड्ढे कंटू, तो काम करने आए, काम पूरा हो गया, 1.5 महीना काम किया, अब खाने को नहीं दिया, खर्चा नहीं दे रहा है मुंशी डिप्टी, तो लड़का बच्चा भूखे ले रहे हैं, रो रहे हैं, और अब क्या करें जब पैसा नहीं देता है। तो चले आए वहाँ से किसी तरह से जंगल से। इसमें मणिपुर विकास खंड के और रायपुरा थाना क्षेत्र के अगर हुंडा गढ़चंपा इस तरह के ग्राम पंचायत है, काफ़ी संख्या में लोग यहाँ पे एकत्रित हुए थे, जिनका मुख्य रूप में ये कहना था कि करबी और रायपुरा रेंजर्स के जो वन विभाग के द्वारा इनको विगत 15 दिन से लगातार कार्य कराया जा रहा है और उसके बाद इनको भुगतान अभी तक नहीं किया गया है और संबंधित वन विभाग के रेंजरों के द्वारा इनको कोई भी जानकारी नहीं दिया जा रहा और उसका सहयोग उनके सहयोग नहीं किया जा रहा है। तो एप्लीकेशन उनका प्राप्त हुआ है और उनसे बातचीत भी हो गई है और DFO से भी मेरा बात हुई है। DFO आज मुख्यालय में नहीं है, DFO व्यक्तिगत रूप से उसको देखें और इनका जो मजदूरी जो इनके द्वारा किया गया है उसके सापेक्ष जो न्यूनतम भुगतान है जो इनको होना है उसको हो जाए और इस प्रकार की समस्याएं इसकी पुनरावृत्ति ना हो, चूँकि मजदूरों से जुड़ी हुई मामला है, उनको किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं होनी चाहिए, निर्देशित किया गया है और जिन अधिकारियों ने इसमें लापरवाही बरती है उनके जिम्मेदारी तय करते हुए कार्रवाई करने के लिए भी निर्देशित। हम हैं देश के एकमात्र ग्रामीण नारीवादी न्यूज चैनल, हमारा समर्थन करें, YouTube चैनल सब्सक्राइब करें, खबरें लाइक करें और वेबसाइट पर सदस्य बने।